ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हे बाबा, हे साईं, आज श्री साईं सचरित्र का अध्याय 29 का अध्ययन होने जा रहा है। हे बाबा, आपके चरणों में प्रार्थना है कि जो भी भक्त इसका श्रवण कर रहे हैं उन सब के चित्त में उतरे और उन्हें लाभ हो। आइए शुरू करते हैं अध्याय 29। पहला मद्रासी भजनी मेला, दूसरा तेंदुलकर पिता व पुत्र, तीसरा डॉक्टर कैप्टन हाटे और चौथा वामन नार्वेकर आदि की कथाएं। पहला मद्रासी भजनी मेला। लगभग सन 1916 में एक मद्रासी भजन मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में एक पुरुष, उनकी स्त्री, पुत्री और साली थी। अभाग्यवश उनके नाम यह नहीं दिए जा रहे हैं। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कॉपर गांव तालुका के शिरडी ग्राम में श्री साई बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं जो बहुत दयालु और पहुँचे हुए हैं। वे उदार हृदय और अहेतुक कृपा सिंधु हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। यदि कोई कलाकार वहां जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसे भी पुरस्कार मिलता है। प्रतिदिन दक्षिणा में बाबा के पास बहुत रुपए इकट्ठा हो जाया करते थे। इन रुपयों में से वे नित्य एक रुपया भक्त कोंडा जी की 3 वर्षीय कन्या अमनी को, किसी को 2 रुपये से 5 रुपये तक, 6 रुपये अमनी की माँ जमली को और 10 से 20 रुपए तक और कभी कभी 50 रुपए भी अपनी इच्छा अनुसार अन्य भक्तों को दिया करते थे। यह सुनकर मंडली शिरडी आकर रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनका भीतरी ध्येय तो द्रव्योपार्जन ही था। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से सर्वथा भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा तथा आदर था। एक बार जब दोपहर की आरती हो रही थी तभी उस स्त्री की भक्ति और विश्वास देखकर बाबा प्रसन्न हो गए। फिर क्या था, बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए और केवल उसे ही बाबा सीतानाथ के रूप में दिखलाई दिए, जब कि अन्य उपस्थित लोगों को सामान्य ही। अपने प्रिय इष्ट का दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई तथा उसका कंठ रुंध गया और आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी प्रेमोन्नत हो वह ताली बजाने लगी। उसको इस प्रकार आनंदित देख लोगों को कौतूहल तो होने लगा, परंतु कारण किसी को ज्ञात ना हो रहा था। दोपहर के पश्चात उसने वह भेद अपने पति से प्रकट किया। बाबा के श्रीराम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली और भावुक है, अतः इसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी कि कहीं यह भी संभव हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा राम के रूप में दिखे और अन्य लोगों को सदैव की भांति ही। स्त्री ने कोई प्रतिवाद ना किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे वैसे ही अब भी हो रहे थे। उसका मन शांत, स्थिर और स्तृप्त हो चुका था। आश्चर्यजनक दर्शन। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर रस्सी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया है। तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में शिक्षों के बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप खड़े देखकर वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ, फिर आपके इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर यह विपदा क्यों आई। तब वे बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोला कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने को मिला। बाबा ने कहा कि यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्म में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वह कहने लगा कि मुझे तो अपने गत जन्म की कोई स्मृति नहीं,
परंतु यदि एक बार मान भी लूँ कि कोई बुरा कर्म हो भी गया होगा तो आपके यहाँ होते हुए तो उसे भस्म हो जाना चाहिए, जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र भस्म हो जाती है। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने कहा, हाँ। बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा और जब उसने आंखें बंद की, उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आहट सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने को कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिरा पड़ा है तथा उसके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। यह देखकर वह अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले कि बच्चों, अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है? मुझे तो एकमात्र आपका ही सहारा है। भगवान, मुझे किस तरह बचा लीजिए। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर सीकचों के बाहर खड़ा है और बाबा भी उसके समीप ही खड़े हैं। तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ तो, तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किसी प्रकार की भिन्नता है या नहीं? इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो। वह बोला कि आकाश और पाताल में जो अंतर है, वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर किया है। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं? प्रत्युत्तर में उसने कहा, जी नहीं। तब वे फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काट बीबी नामक देवी है जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उसके मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने जो ही उससे पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं और वैसे ही वह उनके चरणों पर गिरने को तत्पर हुआ। वे तुरंत अदृश्य हो गए। तब वह बाबा से कहने लगा कि आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो, कि मैं बूढ़ा हूँ? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद भी खुल गई। जागृत होते ही वह गंभीरतापूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा शंकालु वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह था तो एक स्वप्न मात्र ही, परंतु उसमें जो प्रश्नोत्तर थे वे अधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्रित हुए, तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपये की मिठाई और 2 रुपये नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन और रोककर उन्होंने आशीष देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और सब अच्छा ही करेगा। बाबा से उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति तो ना हुई, परंतु उनकी कृपा उसे अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उनको यथेष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ और उनकी यात्रा बहुत ही सफल रही। उन्हें यात्रा में कोई कष्ट या असुविधा ना हुई और वे अपने घर सकुशल पहुँच गए। उन्हें बाबा के श्री वचनों तथा आशीर्वाद और उनकी कृपा से प्राप्त उस आनंद की सदैव स्मृति बनी रही। इस कथा से विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप आकर उन्हें श्रेष्ठकर मार्ग पर ले जाते थे और आज भी ले जाते हैं। तेंदुलकर कुटुंब। बम्बई के पास बांद्रा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था।
जो बाबा का परम भक्त था, श्रीयुत रघुनाथ राव तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें लगभग 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है। यह बाबा के भक्तों के पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, परंतु सभी ने बताया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं है, किंतु अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वह अशांत हो गया। थोड़े दिनों के साथ उसने अपने पुत्र की निराशा तथा अशांति की बात भी बाबा से कही। उनके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखे, सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों द्वारा बनाई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दे और अपना अभ्यास क्रम चालू रख, शांत चित्त से परीक्षा में बैठे, वह अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उससे कहना कि निराश होने की कोई बात नहीं है। माँ ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब पर्चों के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे, परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त ना हो सकें, इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षक तो उसके पीछे ही लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त हैं, अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य ही बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें भी बैठ गया तथा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसने सफलता पाई। यहाँ केवल इतना ही बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणत हो जाती है। जैसी भी हो, परीक्षा तो होती ही है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहे तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसी बालक के पिता रघुनाथ राव बम्बई की एक विदेशी व्यवसायी फर्म में नौकरी करते थे। वे बहुत वृद्ध हो चुके थे और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अब छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे। छुट्टी लेने पर भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन ना हुआ। अब यह आवश्यक था कि सेवानिवृत्ति की पूर्वकालिक छुट्टी ली जाए। एक वृद्ध और विश्वासपात्र नौकर होने के नाते प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया। पेंशन कितनी दी जाए, यह प्रश्न विचाराधीन था। उन्हें 150 रुपये मासिक वेतन मिलता था, इस हिसाब से पेंशन हुई 75 रुपये, जो कि उनके कुटुंब के निर्वाह हेतु अपर्याप्त थी, इसलिए वे बड़े चिंतित थे। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व ही बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी इच्छा है कि पेंशन 100 रुपये कर दी जाए, क्या तुम्हें इससे संतोष होगा? श्रीमती तेंदुलकर ने कहा कि बाबा, मुझ दासी से आप क्यों पूछते हैं, हमें तो आपके श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। यद्यपि बाबा ने 100 रुपये कहे थे, परंतु उसे विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपये अधिक अर्थात 110 रुपये पेंशन निश्चित हुई। बाबा अपने भक्तों के लिए कितना अपेनवित स्नेह और कितनी चिंता रखते हैं। कैप्टन हाटे। बीकानेर के निवासी कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई? श्री हाटे ने उनके श्री चरणों से लिपटकर कहा कि यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या वह जीवित रह सकता है? इतना कहकर श्री हाटे शीघ्र बगीचे में जाकर कुछ वल पपड़ी सेम तोड़ लाए और एक थाली में सीधा सूखी भिक्षा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गई और उन्हें ऐसा भान हुआ कि यह तो एक स्वप्न था। फिर वे सब वस्तुएं जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहां से अपने मित्र को 12 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिख भेजा कि 2 रुपयों में सीधा की सामग्री और वल पपड़ी
सेम आदि मोल लेकर तथा 10 रुपये दक्षिणा स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट देना। उनके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर ली, परंतु वलपपड़ी प्राप्त करने में उन्हें अत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने एक स्त्री को सर पर टोकरी रखे सामने से आते देखा। उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उस टोकरी में वलपपड़ी के अतिरिक्त कुछ भी ना था। तब उन्होंने वलपपड़ी खरीद कर सब एकत्रित वस्तुएं लेकर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोणकर ने उसका नैवेद्य चावल और वलपपड़ी की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल वलपपड़ी ही खाई और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक ना किया। उनके मित्र द्वारा जब इस समाचार का पता कैप्टन हाटे को चला तो वे गदगद उठे और उनके हर्ष का पारावार ना रहा। पवित्र रुपया। एक अन्य अवसर पर कैप्टन हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर कमलों द्वारा स्पर्शित 1 रुपया लाकर अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपने एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उनके हाथ ही श्री हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को यथा योग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने दक्षिणा भेंट की, जिसे उन्होंने तुरंत ही अपनी जेब में रख लिया। तत्पश्चात उसने कैप्टन हाटे का रुपया भी अर्पण किया, जिसे वे हाथ में लेकर गौर से निहारने लगे। उन्होंने उसका अंकित चित्र ऊपर की ओर कर अंगूठे पर रख खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर वे उनके मित्र से कहने लगे कि उदी सहित यह रुपया अपने मित्र को लौटा देना, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, उनसे कहना कि वे आनंद पूर्वक रहे। मित्र ने ग्वालियर आकर वह रुपया हाटे को देकर वहाँ जो कुछ भी हुआ था वह सब उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। उनकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण कर दी। चौथा, श्री वामन नार्वेकर। पाठकगण, अब एक भिन्न कथा का श्रवण करें। एक महाशय जिनका नाम वामन नार्वेकर था, उनकी साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति थी। एक बार वे एक ऐसी मुद्रा लाए जिसके एक ओर राम, लक्ष्मण और सीता तथा दूसरी ओर करबद्ध मुद्रा में मारुति का चित्र अंकित था। उन्होंने यह मुद्रा बाबा को इस अभिप्राय से भेंट की कि वे इसे अपने कर स्पर्श से पवित्र कर उदी सहित लौटा दें, परंतु उन्होंने उसे तुरंत अपनी जेब में रख लिया। श्यामा ने वामन राव की इच्छा बताकर उनसे मुद्रा वापस करने का अनुरोध किया। तब वे वामन राव के सामने ही कहने लगे कि यह भला उनको क्यों लौटाई जाए, इसे तो हमें अपने पास ही रखना चाहिए। यदि वे इसके बदले में 25 रुपया देना स्वीकार करें तो मैं इसे लौटा दूंगा। वह मुद्रा वापस पाने के हेतु श्री वामन राव ने 25 रुपये एकत्रित कर उन्हें भेंट किए। तब बाबा कहने लगे कि इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपयों से कहीं अधिक है। श्यामा, तुम इसे अपने भंडार में जमा करके अपने देवालय में प्रतिष्ठित कर इसका नित्य पूजन करो। किसी का साहस ना था कि वे यह पूछ लें कि उन्होंने ऐसी नीति क्यों अपनाई। यह तो केवल बाबा ही जाने कि किसके लिए कब और क्या उपयुक्त है। श्री सद्गुरु साईनाथ अपर्णमस्तु, शुभम भवतु। ओम साई राम।